ये स्थानीय नीति के प्रति, नियोजन नीति के प्रति, एसपीटी एक्ट, सीएनपी एक्ट के प्रति और पेशा एक्ट के प्रति क्या उनका अनुभव है, वो क्या उनका सुझाव है, वो भी लोगों से लिया है और हमने भी अपना सुझाव दिया है। और इसके साथ साथ ये मेरा प्रस्तावित था, ये विधानसभा के समय जब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था कि हमने कहा था कि अप्रैल तक अगर ये सरकार स्थानीय नीति, नियोजन नीति लागू नहीं करती है तो मैं 5 मई को झारखंड बंद का आह्वान करूंगा, आह्वान किया था। तो आज चूंकि आचार संहिता लगा हुआ है और उस अवधि में ये झारखंड बंद करना ये मैं समझा कि ये औचित्य नहीं है और इसीलिए उस 5 मई के झारखंड बंद को मैं अभी तत्काल प्रभाव से अभी उसको हम स्थगित या अगले तिथि तक इसको हम अभी स्थगित करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता चल गया है, गांव में, देहात में, शहरों में, पूरे झारखंड प्रदेश में ये मैसेज चला गया है कि 5 अप्रैल को, 5 मई को झारखंड बंद होगा। आज फिर मैं एक संदेश देकर के लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ कि 5 मई का जो मेरा झारखंड बंद था, क्योंकि ये पंचायत चुनाव वगैरह सब क्या क्या हो रहा है और अभी आचार संहिता लगा हुआ है, उसी को देखते हुए इसको हम फिर अगली तिथि में बाद में इसका हम घोषणा करेंगे। और 9 जून को बिरसा भगवान के पुण्यतिथि पर उस दिन हम लोग पूरा झारखंड के लोग जुटेंगे, विशाल संकल्प लेंगे और वहीं से फिर गुलगुलान हम लोग शुरू करेंगे। ये स्थानीय नीति, नियोजन नीति, एसपीटी एक्ट, सीएनटी एक्ट और पैसा एक्ट ज्यादा मुद्दा नहीं है, इसी मुद्दा को लेकर के झारखंड को बचाने का हम लोग काम करेंगे। और ये भाषा जो थोपा जा रहा है, जो क्षेत्रीय 9 भाषा है, तो फिर अलग से क्यों थोपा जा रहा है? आज इसका विरोध पूरे झारखंड में हो रहा है। तो आज यही सब को लेकर के फिर हम लोग 9 जून को हम लोग बिरसा समाधि वहाँ पर हम लोग जुटेंगे और पूरे झारखंड से लोग आएंगे और उस दिन पूरा का पूरा एकदम उलगुलान का हम लोग एक एक मुंह से आवाज आएगा, यह उलगुलान का वक्त आया है, झारखंड को, जमीन को बचाने का वक्त आया है, एसपीटी एक्ट, सीएनटी को बचाने का वक्त आया है और स्थानीय नीति को लागू कराना पड़ेगा, चाहे जो भी समय लगे, जितना दिन लगे, ये आंदोलन अनवरत जारी रहेगा, ये अब रुकने वाला नहीं है। झारखंड के लोगों ने बहुत दिनों तक, 22 साल तक आज झारखंड के लोगों ने बहुत इंतजार किया, बहुत बर्दाश्त किया, अब बर्दाश्त से बाहर हो चला है, अब ये रुकने वाला नहीं। क्या मजाक बन गया है, क्या वजह है कि हम इतना बर्दाश्त किए, बाहर से लोग आ रहे हो? मैंने उस दिन कहा था क्या ससुराल है क्या, उसी तरह से लगता, बाहर से आए हो तो आए हो लेकिन आप यहां पर जमीन लूटोगे और नौकरी भी लूटोगे। हम लोग सरेआम देख रहे हैं इसको, इसलिए कुछ नहीं है भाई, तुम यहाँ के हो तो तुम खतियान दिखाओ और यहाँ के खतियान नहीं हो तो तुम जाओ और यहीं तो शांति से रहो। लेकिन आज वही लोग हावी हो गया, अपना अपने तो आया और अपने पूरा रिश्ता नाता सबको रख रहा है यहाँ पर। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।